चैनल, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं अच्छी नहीं हूँ। और अभी हो रहा है नाइट का टाइम, 10 o'clock। खाना उना खा ली हूँ और बच्चे मेरे सो गए हैं, देख सकते हो। शौर्य, सौम्या, सौम्या पिलो से फेस ढक के सोई है और मैं फ़ोन देख देख के अब थक गई हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही है और इतनी जल्दी नींद आएगी भी नहीं, क्योंकि मुझे जल्दी नींद नहीं आती है, बहुत लेट नाइट हो जाता है। पता नहीं कब नींद आएगी, कुछ भी नहीं। जब नींद आ जाती है तभी मुझे सुकून सा मिलता है, नहीं तो मेरे सर में बहुत ऐसी बातें हैं कि घूमते रहती है। अब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी सो जाऊँ, कि मुझे परेशानी नहीं हो, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत घबराहट सा फील होता है मुझे। और ये मेरा टैडी देख सकते हो, मोटूमल बहुत बड़ा है, तो ये मेरे बेड पे रहता है, आराम फरमाते रहता है पूरे दिन पूरे रात। तो गाइज, कैसे क्या क्या से क्या लाइफ हो जाती है कुछ नहीं पता। तो मैं यही सब बातें सोचते रहती हूँ और कुछ नहीं, बट यही सब सोचते रहती हूँ। ये थे तो उस टाइम ऐसे बातें किए थे ना मेरे से, उस टाइम ऐसे बोले थे ना मेरे से, तो यही सब बात है जो मेरा माइंड में घूमते रहता है। और इसी वजह से मेरे सर में बहुत तेज पेन होने लगती है और मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी सो जाऊँ, कि मेरे बातें माइंड में नहीं आए, मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माइंड डिस्टर्ब ना हो जाए। बस इससे मैं बचाने का बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर माइंड डिस्टर्ब मेरा हो गया तो सोचो कि मेरे बच्चे का क्या लाइफ होगा, कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि इस सदमे से बाहर निकलूँ, बट सोच के भी नहीं हो पाता है। जो लाइफ मेरा था ना, बहुत ही अलग था, और क्या लाइफ बन गया, ये चीज़ सोच सोच के मुझे धड़कन बहुत तेज, यहाँ पे बहुत तेज चुभती है, बहुत तेज ऐसे धक धक करती है, बहुत तेज दर्द होती है जब मैं बातें सोचती हूँ। तो मैं ना कभी इस पागल की तरह ज़िंदगी नहीं जी, जो सिचुएशन आज आया ना, कभी भी मैं नहीं जी ऐसा। तो बच्चे सो जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं बेचारे, इन लोग तो सो जाते हैं, मुझे नींद नहीं आती है। और बच्चे का भी क्या करें, बच्चे क्या कर सकते हैं बेचारा, थोड़े बहुत मम्मा ऐसे मम्मा वैसे क्या समझ सकते हैं ये। चलिए मैं मिलूँगी आप लोग से मॉर्निंग में, है ना। मैं कोशिश करती हूँ सोने का, तो मैं आप लोग से मॉर्निंग में मिलूँगी। हे गाइज, गुड मॉर्निंग। तो चलिए मैं अब आप लोग से मॉर्निंग में मिल रही हूँ। तो अभी हो रहा है गुड मॉर्निंग, आज डे है संडे। तो संडे या मंडे मेरे लिए तो सब बराबर है, ऐसा कोई खास है नहीं कि आज संडे है। तो मेरे लिए ऐसा कोई खास नहीं है कि आज संडे है मंडे है, सब मेरे लिए डे संडे मंडे सब बराबर हो गई गाइज मेरे लिए। पहले संडे स्पेशल होती थी, लेट उठूंगी या संडे है, अब तो ऑफिस जाओगे नहीं, अब संडे हो या मंडे हो, जब आपकी मर्जी करे उठो सोए रहो, सब बराबर हो गई। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट सिंपल ही है, आलू परवल की सब्जी। तो मैं परवल फ्राई करके निकाल ली हूँ, आलू को बॉयल करके रखी हूँ, और यहाँ पे प्याज फ्राई हो रही है, कुकर में लौकी चढ़ी हुई है, उसका बनाऊंगी रायता, इसमें मसाला पीस के रखी हूँ, और यहाँ पे रायते का भी मसाला पीस के रखी हूँ। तो रायते का मसाला में है काली वाली सरसों, अदरक, हरी मिर्च। तो आज का ब्रेकफास्ट यही रहेगा,
और आज मैं भी थोड़ा लेट ही उठी थी 7:30 में, क्योंकि रात में जब नींद नहीं पूरी हो पाती है तो मॉर्निंग में अच्छी नींद आती है। तो सुबह में एक बार मैं 6 बजे उठी थी, फिर उसके बाद फिर जाके वापस सो गई, और फिर उसके बाद 7:30 में मेरा नींद खुला तो फिर चाय बनाई, चाय पी, और उसके बाद अपना लग गई हूँ भोजन बनाने में। उसके बाद बहुत काम होती है, काम का तो कमी नहीं है। आज मशीन भी लगाऊंगी, काफ़ी दिन से कपड़े नहीं धोई हूँ तो कपड़े भी बहुत इकट्ठा हो रखा है, तो मशीन लगाऊंगी। और अभी सौम्या शौर्य सिंह क्या कर रहे हैं चलिए आप लोग को दिखाती हूँ थोड़ा सा। तो गाइस दोनों भाई बहन चले गए हैं बाहर, घर में कोई नहीं है। अभी कर रहे थे दोनों ब्रश, ब्रश करते करते मम्मा का ये आँख से दूर हुए, बस दोनों गायब हो जाते हैं। मैं घर में ढूंढ रही, घर में नहीं है। तो गाइस प्लीज आप लोग मेरा सपोर्ट करो, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फेस पर लेके स्माइल और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो आप लोग ब्लॉग में बने ही रहना, आज यही सब मैं दिखाऊंगी अपना रूटीन क्या क्या होता है ना, क्या क्या होता है, बस यही होता है हाउस वाइफ का। क्या है लाइफ, खाना बनाओ, झाड़ू पोछा करो, बेड सही करो, कपड़े धो, बर्तन धो, ये करो वो करो, बस यही लाइफ है ना। बट ये भी लाइफ इंटरेस्टिंग था, अब इसमें भी मज़ा नहीं है। मेरे हस्बैंड हाउस वाइफ नहीं, हाउस मिनिस्टर कहते थे। हाउस वाइफ का तो नाम है, हाउस मिनिस्टर हो, सारा काम संभालती हो, सारे चीज़ का हिसाब रखती हो, तो बहुत ऐसा बात था। चलिए खैर कोई नहीं है ना, समय समय की बात है। इतने दिन का संग था हमारा तुम्हारा, वही था मेरा लाइफ, इतने दिन का ही साथ था, इतने दिन की बातें मेरे दिल में घूमती है। प्लीज आप लोग ब्लॉग में बने रहना। ओके तो गई यहाँ पे सौम्या शौर्य सिंह के लिए मैं ब्रेड सेक रही हूँ, तो तवे पे घी डाल दी हूँ, और इनका ब्रेकफास्ट यही होगा, ब्रेड और दूध। और शौर्य सिंह से मिल सकते हो आप, आज मेरा ब्रेकफास्ट है, रोज नहीं होता है क्या ब्रेकफास्ट? गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग बोल रहे हो और सॉरी बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? बहुत बदतमीज लगता है, बहुत शैतान है। गाइस देख सकते हैं इनका ब्रेकफास्ट लग गया है। तो गाइस देख सकते हैं ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, रोटी एंड सब्जी एंड रायता। सौम्या सिंह ले जा रही है अपने दादू का खाना, और ये जो ब्रह्मांड फैला हुआ है अब मैं इसको करूंगी सही, क्योंकि ब्रेकफास्ट बन गया है। अब किचन क्लीन करूंगी, उसके बाद आगे का काम शुरू। अब सफाई का काम हो गया मेरा स्टार्ट, तो चलिए मैं करती हूँ फटाफट अपना सफाई। चिल्ड्रेंस लोग को मम्मा चिल्ड्रेंस लोग धूप में कहाँ जाओगे छत पे? धूप में नहीं, जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे बहुत गंदगी हो रही है भैया, मम्मी बुला रही है। फाइनली अभी नहा के आ चुकी हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो मेरे साथ कौन है, तो यहाँ पे मेरे साथ गोलू आई है। तो गोलू बोली आज आपके साथ मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं बोली बनाओ मेरे साथ वीडियो। तो क्या बनाना बता रही थी गोलू मुझे? पैनकेक। हाँ बताना कैसे बनता है। सूखा आटा ले ले, फिर ना अंडा डाल ले, फिर ना दूध डाल ले, फिर ना उसको ना मिला दे, फिर ना जो ना उछालने वाला रहता है वो ले ले, फिर ना उसको ना उस पर रख दे, फिर ना जाए वो ना गोल हो जाएगा, फिर ना सिरप डाल दीजिएगा, बन गया। अरे वाह बहुत जल्दी बन जाता है ना गोलू। तो ये गाइस लोग को बता दो कि आप लोग ट्राई कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिए गोलू बोल रही है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।
और गोलू का रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बना के कमेंट करके बताइएगा कि गोलू का रेसिपी कैसा लगा, है ना गोलू? और कुछ बोलना चाहती हो? नहीं, हो गया। और कुछ बोलना चाहते हैं? बोलो। हम ऐसे बुलाते गोलू पर, नाम है ईशानी। अच्छा, ऐसे बुलाते हैं गोलू पर, नाम है ईशानी। ओके, नाम है गोलू का ईशानी। और गोलू पढ़ाई करती हो? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ाई करती हो, गुड गर्ल है गोलू, बहुत गुड गर्ल है, बहुत अच्छी लड़की है गोलू, बहुत अच्छे से बात करती है और बहुत अच्छे तरीके से रहती भी है, शरारत नहीं करती है बिल्कुल भी नहीं। जो शरारत बच्चा को देखना है तो यहाँ गाइस देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हरामी है, नंबर वन। तो गाइस देख सकते हैं ये मेरी दादी है। हेलो करनी तो मामा इसे हेलो। गाइस आप लोग, दादी मेरी हेलो कर रही है, देख सकते हो कल गांव से आई है, और मेरी दादी से आप लोग मिल लीजिए। हेलो हेलो, बहुत ही बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा शैतान है, शैतान नंबर वन। गाइस सॉरी, मैं कोई भी ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि इतनी थक गई थी मत ही पूछो। बहुत काम की हूँ, देख सकते हो खिड़की का पर्दा वगैरह सारा खोल के मैं धोई हूँ, और एक चीज़ और देखो, न्यू लुक हो गया इसका, पहले ये ऐसे लगा हुआ था और अब ऐसे लगा दी हूँ मैं, तो थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहती हूँ, बैठा बनिया क्या करे, तो इस कोठी का चावल उस कोठी वही है, देख सकते हो कपड़े का ढेरा, हर जगह आपको कपड़े ही कपड़े दिखाई देंगे, यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, गेट पे देख सकते हो, और हर जगह पे ही आज मैं कपड़ा फैला दी हूँ क्योंकि बहुत सारा कपड़े धोई हूँ, एक भी खो गया था, यहाँ बाहर में भी कपड़े डाल रखे हूँ, तो पूरे जगह पे मैं कपड़े डाली हूँ क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैं सारे कपड़े धो ली हूँ और अभी पर्दा वगैरह सेट करूँगी क्योंकि नाइट में हमारा खिड़की से अगर लाइट जलती है तो बाहर से दिखती है, तो इसलिए मैं पर्दा तो सेट ही कर लूँगी, बाकी कपड़े तो कल ही फोल्ड करूँगी, अभी तो सूखी भी नहीं है। और गाइस आप लोग से एक बात बतानी थी, एक पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान का ही लोग बताते हैं कि कमेंट करते हैं कि जी मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं कमेंट उनको की थी कि क्या बात करनी है मेरे से, तो उन्होंने रिप्लाई दिया था कि इंडिया के लोग मुझे बहुत पसंद हैं, तो थैंक यू लाइक करने के लिए, बट जो मेरी बात हो सकती है यूट्यूब पे हो सकती है, इंस्टाग्राम पे हो सकती है, अगर आपको इंस्टाग्राम आईडी नहीं पता है सॉरी, तो जी मेरा इंस्टाग्राम आईडी है swetasin119, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं बात करूँगी, व्हाट्सएप द्वारा मैं बात नहीं कर सकती हूँ, कॉलिंग द्वारा बात नहीं कर सकती हूँ सॉरी। तो आपको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप मेरा वीडियो देखते हो, आप मुझे पसंद करते हो, इसीलिए दिल से थैंक यू। तो आपको जो भी बात करना है कमेंट के द्वारा आप मेरे से बात कर सकते हो, ओके। तो अच्छा लगा कि मेरा वीडियो लोग पाकिस्तान में भी देख रहा है, पाकिस्तान में भी मेरा वीडियो चल रहा है, तो अच्छा लगा मुझे सुन के, है ना। तो गाइज बस अभी मैं बेड पे लेटी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और फिर कुछ देर में हो जाएगा नाइट का खाना बनाने का टाइम, बहुत काम होता है लेडीज़ के लाइफ में, बहुत ज़्यादा काम होता है, कभी कुछ कभी कुछ, प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होती है, एक काम निपटाओ एक काम हाजिर, एक काम निपटाओ एक काम हाजिर, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाओ तो झाड़ू पोछा करो तो फिर दोपहर का हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा, क्या लाइफ है ना। चलो ऐसे ही ज़िंदगी कटनी है अपनी, तो गाइस चलिए ब्लॉग हो जाएगी थोड़ी थोड़ी ऐड करके बहुत लंबी, तो मैं करती हूँ यहीं पे एंड। और सोमेश्वरी सिंह गए हुए हैं छत पे, अरे सॉरी छत का गेट कौन लगा दिया है, और सॉरी सिंह की हालत देख सकते हो, खेल के आ गए हैं,
और छोटा सा बाबू गिट्टी पे गाल पे मार दिया। कौन सा छोटा सा बाबू? जो मुना का गाना है वहाँ है। तो वहाँ आप क्यों खेलने गए थे? उतना दूर जाने से मना की मुना आपको? और देखो तो सीढ़ी का गेट लगा है वहाँ, दीदी छत पे गई हुई है ना, सीढ़ी का गेट खोल दो। अभी तो खेल कर आए हो। तो गाइस चलिए, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वो धमाकेदार होगा। तो कल की ब्लॉग, हाँ कल की ब्लॉग कुछ खास थोड़ी सी होगी, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ओके okay?